डियर स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास ट्वेल्थ के लिए सब्जेक्ट केमिस्ट्री को पढ़ना। ठीक है, तो क्लास ट्वेल्थ को जो हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ रहे थे वो यौगसिल बहुलक के बारे में पढ़ रहे थे। तो यौगसिल बहुलक क्या है, क्यों कहा जाता है यौगसिल बहुलक, इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस जाना है। फिलहाल यौगसिल बहुलक में दो ही एग्जाम्पल्स हम लोग देखे हैं, चलिए एग्जाम्पल नंबर थर्ड को पढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर थर्ड क्या है, एग्जाम्पल नंबर थर्ड, तो थर्ड में लिखा जाए कि अगर मान लिया विनाइल क्लोराइड होगा, विनाइल क्लोराइड को बोलते हैं CH2 डबल बॉन्ड CHCl, इसको कहते हैं हम लोग विनाइल क्लोराइड, इसका नाम है विनाइल क्लोराइड। ठीक है, ये तीसरा एग्जाम्पल देख रहे हैं, दो एग्जाम्पल्स हम लोग पिछले क्लास में पढ़ लिए हैं, ये तीसरा एग्जाम्पल है, इसका नाम है विनाइल क्लोराइड। अगर मान लिया विनाइल क्लोराइड की संख्या n है, n बोले तो 11,000 से 20,000, तो इसका ये 11,000 से 20,000 जब आपस में विनाइल क्लोराइड जुड़ेंगे तब बनाएंगे CH2CHCl, और इसकी संख्या आपस में 11,000 से 20,000 आपस में जुड़ेगी, जिसका नाम हो जाएगा पॉली विनाइल क्लोराइड। ठीक है, इसी पॉली विनाइल क्लोराइड को PVC कहते हैं। तो याद रखिएगा, तीसरा एग्जाम्पल किसका है यौगसिल बहुलक में, PVC का बनना। PVC का बनना भी एक तरीके का हम बोल सकते हैं यौगसिल बहुलक है। क्यों यौगसिल बहुलक है, क्योंकि विनाइल क्लोराइड से ही बनता है पॉली विनाइल क्लोराइड यानी कि PVC, इसलिए इसके नीचे एरो देकर लिखा जाए पॉली विनाइल क्लोराइड का एक बहुलक, पॉली विनाइल क्लोराइड का एक बहुलक विनाइल क्लोराइड है, विनाइल क्लोराइड है कॉमा, इसे PVC कहते हैं, इसे PVC कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, पॉली विनाइल क्लोराइड का एक बहुलक का नाम है विनाइल क्लोराइड, क्योंकि विनाइल क्लोराइड से ही बनता है पॉली विनाइल क्लोराइड, इसको हम लोग शॉर्ट में PVC बोलते हैं। P फॉर पॉली, V फॉर विनाइल, C फॉर क्लोराइड। उसके बाद नेक्स्ट एरो देंगे, लिखा जाए PVC एक कठोर बहुलक है, PVC एक कठोर बहुलक है, इसे गर्म करने पर भी अधिक मुलायम नहीं होता है, इसे गर्म करने पर भी अधिक मुलायम नहीं होता है। ध्यान दीजिएगा, PVC क्या है, एक कठोर बहुलक है, अगर इसको हम ज़्यादा गर्म करेंगे तो ये अधिक मुलायम नहीं होगा, यानी कि बहुत PVC क्या है ना, एक बहुत ही कठोर बहुलक है, सबसे ज़्यादा कड़ा बहुलक है, इसको गर्म करने पे भी ये पिघलता नहीं है। चलिए PVC के बारे में नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, नेक्स्ट एरो देकर लिखेंगे PVC का मुख्य उपयोग जमीन की गहराई से पानी निकालने के लिए लोहे के पाइप की जगह PVC पाइपों का इस्तेमाल किया जाता है, PVC पाइपों का इस्तेमाल किया जाता है। जी हाँ, आप जानते हैं कि जो ज़मीन के अंदर अगर हम लोग छेद करते हैं चापाकल डालने के लिए, चाहे बोर कराने के लिए, बोरिंग फिट कराने के लिए, मोटर लगाने के लिए, तो उसमें ज़मीन के अंदर छेद करना पड़ता है, और उस छेद करने के लिए हम लोग लोहा के जगह PVC द्वारा बनाया गया पाइप का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये भी बहुत कठोर होता है। हम लोग ज़मीन से पानी निकालने के लिए जो छेद करते हैं ज़मीन में, उस छेद करने के लिए हम लोग PVC पाइप का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। क्लियर।
तो ये थे हम लोग एग्जाम्पल नंबर थर्ड जो था पीवीसी के बारे में। चलिए आगे हम लोग टॉपिक्स देते हैं। टॉपिक्स लिखा जाए संघनन बहुलक। संघनन बहुलक, संघनन बहुलक लिखकर टॉपिक बनाएंगे। लिखा जाए उसके नीचे एरो देकर, इसमें दो या दो से अधिक अणु आपस में जुड़कर, दो या दो से अधिक अणु आपस में जुड़कर वृहत अणु का निर्माण करते हैं। वृहत अणु का निर्माण करते हैं, साथ ही अभिक्रिया के फलस्वरूप, साथ ही अभिक्रिया के फलस्वरूप, साथ ही अभिक्रिया के फलस्वरूप H2O, NH3, HCl आदि का निष्कासन होता है, आदि का निष्कासन होता है, जिसे संघनन बहुलक कहा जाता है, जिसे संघनन बहुलक कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, संघनन बहुलक किसको कहते हैं? जब दो या दो से अधिक आपस में जुड़कर, यानी बोल सकते हैं आपस में अभिक्रिया करके क्या क्या बनाते हों, तो जल बनाते हों, अमोनिया बनाते हों, चाहे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाते हों, तब इसी बहुलक को हम कहेंगे संघनन बहुलक। ध्यान दीजिएगा, वैसा बहुलक जिसमें दो या दो से अधिक अणु आपस में जुड़कर, या बोल सकते हैं कि अभिक्रिया करके एक बृहत अणु, एक बड़ा अणु का निर्माण करते हैं। इसमें बस एक कंडीशन है, कंडीशन यही है कि हम लोगों को अभिक्रिया के फलस्वरूप वाटर यानी कि जल, अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनना चाहिए। ठीक है, तो क्या क्या बनना चाहिए वो बात आपको समझ में आ गया। तो इसी को हम लोग कहते हैं, इस प्रकार के बहुलक को कहते हैं हम लोग संघनन बहुलक। चलिए उसके बाद इसी के अंतर्गत संघनन बहुलक के सेकेंड अरू लिखेंगे। लिखा जाए संघनन बहुलक के चार प्रकार हैं। संघनन बहुलक के चार प्रकार हैं। संघनन बहुलक के चार प्रकार हैं। अब हम लोग देखते हैं कि संघनन बहुलक के चार प्रकार कौन कौन सा है। तो लिखा जाए पहला में नायलोन, दूसरा में लिखा जाए नायलोन सिक्स, ठीक है। फिर लिखा जाए तीसरा नायलोन सिक्स सिक्स। चौथा का नाम है पॉलिस्टर, ठीक है। आप चीज़ों को समझिए अच्छे से कि संघनन बहुलक क्या है। तो वैसा बहुलक जिसमें दो या दो से अधिक अणु आपस में जुड़कर एक बृहत का अणु का निर्माण करते हैं, या फिर अभिक्रिया के फलस्वरूप वाटर बनाएंगे, जल का निर्माण करते हों, अमोनिया बनाते हों, तब इनको हम लोग संघनन बहुलक कहेंगे। लेकिन दोस्तों इसके प्रकार का बात करें तो संघनन बहुलक के ये चार प्रकार हैं। पहला का नाम है सिर्फ नायलोन, दूसरा का नाम है नायलोन सिक्स, तीसरा का नाम है नायलोन सिक्स सिक्स और चौथा का नाम है पॉलिस्टर, ठीक है। तो चलिए अब इसमें जो सबसे ज़्यादा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से VVI पॉइंट है वो नायलोन सिक्स और नायलोन सिक्स सिक्स, ये दोनों बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इससे एक नंबर के सवाल जरूर पूछते हैं कि नायलोन सिक्स सिक्स क्या है, नायलोन सिक्स सिक्स का बहुलक क्या है, नायलोन सिक्स के भी पूछा जा सकता है। तो इसलिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात किया जाए तो ये हम लोगों को पढ़ना है कि नायलोन क्या है, नायलोन सिक्स सिक्स क्या है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो ये चार प्रकार के होते हैं संघनन बहुलक, और इस चार प्रकार में हम लोगों को समझना है।
तो हम लोग यहाँ नायलोन के बारे में ज़्यादा डिटेल्स नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि ये हम लोगों को सिलेबस के आउट ऑफ सिलेबस है। हम लोगों के सिलेबस में तीन चीज़ें पढ़ना है, नायलोन 6, नायलोन 6-6, पॉलिस्टर। हालांकि एग्ज़ाम में तो यही दोनों से सवाल आते हैं, पॉलिस्टर से नहीं आते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग पॉलिस्टर को पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए अब टॉपिक देंगे हम लोग, टॉपिक दिया जाए नायलोन 6। नायलोन 6 क्या है इसके बारे में लिखा जाए। नायलोन 6 के नीचे एरो देकर कैप्रोलैक्टम, ये रहा, आपको ऐसे लिखेंगे कैप्रोलैक्टम कॉमा कॉमा नायलोन 6 का बहुलक है। ये एकदम VVI क्वेश्चन आता है दोस्त एग्जाम में, कि नायलोन 6 का बहुलक कौन है, तो उसका नाम याद रखिएगा कैप्रोलैक्टम। इसका नाम क्या है? कैप्रोलैक्टम। तो याद रहेगा आपको कि नायलोन 6 का बहुलक कौन है, तो कैप्रोलैक्टम। अब चलिए उसके नीचे अर्थार्थ करके लिखते हैं कि आखिर कैप्रोलैक्टम क्या है। तो उसके नीचे अर्थार्थ करके लिखना है, अर्थार्थ अर्थार्थ, ये रहा हम लोगों का कैप्रोलैक्टम। कैसे कैप्रोलैक्टम बनाते हैं जरा समझिए। तो ऑक्सीजन यहाँ पे एक जुड़ा रहता है, और उसके बाद इसका अष्टफलकीय संरचना है, तो इससे जुड़ा रहता है NH, यहाँ NH हो गया। उसके बाद यहाँ पे ऐसे जुड़ा हुआ है, ठीक है, फिर ऐसे जुड़ा हुआ है थोड़ा सा, और तब जाकर ऐसे है। तो कुल मिलाकर इसकी संरचना, इसी को हम लोग कहते हैं कैप्रोलैक्टम, कैप्रोलैक्टम। और इसकी कितनी संख्या? N। और जब ये बृहत अणु का निर्माण करेंगे तो ये बनता है NH, टूट जाता है, मतलब CH2 का 5, C से ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, और इसकी संख्या N रहेगी, तब इसको कहते हैं नायलोन 6। तो याद रखिएगा नायलोन 6 का जो बहुलक है वो कौन है? कैप्रोलैक्टम, इसका नाम ही है कैप्रोलैक्टम। तो ये चीज़ें याद रखिएगा कि नायलोन 6 का बहुलक कौन है? कैप्रोलैक्टम, ठीक है। चलिए उसके बाद हम लोग आगे के टॉपिक्स को पढ़ते हैं। लिखा जाए अब टॉपिक्स, अब लिखेंगे नायलोन 6-6, नायलोन 6-6, इसको कहते हैं नायलोन 6-6। अब नायलोन 6-6 क्या है इसके बारे में जानना चाहिए। तो अब इसके बारे में फर्स्ट एरो देंगे, लिखा जाए एडिपिक अम्ल तथा HMD, बताते हैं क्या है एडिपिक अम्ल तथा HMD कॉमा नायलोन 6-6 के बहुलक हैं। नायलोन 6-6 के बहुलक हैं। देखिए अब नायलोन 6-6 के बहुलक कौन सा है, याद रखिएगा कि एडीपिक अम्ल भी है और प्लस में HMD भी है। अब HMD क्या है इसको बात हम लोग को समझना होगा। तो इसको बोलते हैं H से हुआ हेक्सा, H से क्या हुआ? हेक्सा। और M से क्या होगा? मेथिलीन, मेथिलीन। और D से क्या हुआ? तो डाई एमीन, डाई एमीन। तो याद रखिएगा HMD का मतलब हुआ हेक्सा मेथिलीन, मेथिलीन डाई एमीन। यानी कि नायलोन 6-6 के जो है ना दो बहुलक हैं, कौन कौन सा? तो एडीपिक अम्ल और नायलोन, सॉरी एडीपिक अम्ल और हेक्सा मेथिलीन डाइएमिन, ठीक है। तो कुल मिलाकर यहाँ पे हम लोग सीखेंगे कि इसके दो बहुलक हैं। अब जरा इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे कैसा होता है। हालांकि उसके नीचे जो अभी एरर देकर लिखे हैं उसके नीचे अर्थार्थ करके लिखेगा, अर्थार्थ नायलोन 6-6 के दो बहुलक हैं। नायलोन
6 6 के दो बहुलक हैं, ठीक है। अब नायलोन 6 6 के दो बहुलक हैं, वो दो बहुलक कौन कौन से हैं, चलिए हम यहाँ पे उसके नीचे रिएक्शन के अकॉर्डिंग समझते हैं। तो अगर रिएक्शन अगर बात किया जाए, तो सबसे पहले एडीपी कमल, तो एडीपी कमल का फार्मूला HOOC, यानी कि इसको COOH भी बोल सकते हैं, CH2 का हॉल 4 और COOH। इसकी संख्या अगर हम बात करें तो एन है, एन मतलब 11,000 से 20,000, और इसको बोल सकते हैं हम लोग, ये रहा हम लोगों का एडीपी कमल। तो एडीपी कमल भी और एक होना चाहिए, और इसकी संख्या भी एन रहेगा फिलहाल, H2N, यानी कि NH2, CH2 का हॉल 6 और NH4 ये रहा हम लोगों को HMD। ध्यान दीजिएगा, ये रहा एडीपी कम, ये रहा HMD। HMD बोले तो हेक्सा मेथिलीन डाइएमिन, और जब ये दोनों आपस में मिलते हैं तो एक बृहत अणु का निर्माण करते हैं, उसको बोल सकते हैं C डबल बॉन्ड O, CH2 का हॉल 4, कार्बन से यहाँ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन जुड़ा है, NH, CH2 का हॉल 6, NH का हॉल N, ठीक है। इसी को हम लोग कहते हैं नायलोन 6 6, नायलोन 6 6। तो याद रखिएगा इन जरूरी बातों को कि नायलोन 6 6 का दो बहुलक है, एक का नाम है एडीपी कमल और दूसरा का नाम है HMD, और एक है नायलोन 6, उसका याद रखिएगा कैप्रोलैक्टम, उसका याद रखिएगा कैप्रोलैक्टम। इस सवाल में आया है, कई बार आ चुका है कि नायलोन 6 का बहुलक कौन है, तो कैप्रोलैक्टम, या इससे उल्टा भी आ सकता है कि कैप्रोलैक्टम जो है किसका बहुलक है, तो नायलोन 6 का। तो दोस्तों ये नायलोन 6 6 के बारे में और भी कुछ पॉइंट्स बचा हुआ है, उन पॉइंट्स को हम लोग करेंगे फिलहाल अगले दिन। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।